अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक और एक सैड स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बहुत पहले सुना था, कैलिफोर्निया में एक शख्स रहता था और वो हमेशा की तरह वो ड्राइव करके आ रहा था अपने घर जॉब से, जैसा कि वो रोज आता था अपने जॉब से ड्राइव करके। लेकिन ये दिन बहुत ही अलग था। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचने लगा, उसे सायरन की आवाज आने लगी। तो जैसे ही वो अपने घर के पास आता गया तो देखता है उसके घर के पास से बहुत सारा धुआं उठ रहा था, हर जगह स्मोक ही स्मोक था और हर जगह फायर फाइटर मौजूद थे। ये नजारा देखने के बाद उसका दिल उधर ही बहुत जोर से धड़कने लगा और थम सा गया था। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को ये पोजीशन में डालकर देखो। फिर जैसे ही वो घर के पास आ गया तो हर जगह पुलिस, फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस मौजूद थी। फिर वो भाग के अपने घर को देखता है तो उसकी पूरी फैमिली वो घर के अंदर थी और वो घर में आग जल रहा था। और पता है, उस घर में उसके दो बच्चे, उसकी वाइफ, उसकी मॉम, उसके डैड सब मर चुके थे, इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो सोचो, अपने आप को पोजीशन में डालकर देखो, अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा फील करते, कितना दर्द होता आपको। लेकिन ये महसूस करना बहुत मुश्किल है, कब, जब तक आपने अपना कोई करीबी शख्स ऐसे खोया ना हो। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, उसका घर जल गया, क्या फील हो रहा होगा उसे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने कहानी सुन ली, अब ये सुनो। ठीक है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। आका फरमाते हैं, जो मुसलमान असर की नमाज छोड़ देता है तो गोया वो अपने पूरे खानदान और अपनी पूरी सारी दौलत को गवा बैठा है। सुभान अल्लाह, आखिर कैसे हम मुसलमान ये हदीस सुनने के बाद कोई नमाज कजा कर सकते हैं। नमाज कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट आप अपना इंटेंशन तो रखो, ये जहन में रखो कि नहीं, जो भी हो जाए मुझे नमाज नहीं छोड़ना है, नहीं छूटनी चाहिए मेरी नमाज। अच्छा मेरे भाइयों बहनों, ये तो बताओ कि नमाज में वक्त कितना लगता है। 5 से 15 मिनट बस। ईशा की नमाज थोड़ी लंबी होती है। और कितना समय लगता है? कम से कम जो नमाज नहीं पढ़ते माज़ अल्लाह, उन्हें सिर्फ फर्ज नमाज की पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सिर्फ फर्ज नमाज तो पढ़ो, पहले फर्ज नमाज की आदत डालो, सुन्नत नफिल बाद में पढ़ना, 6 महीने बाद पढ़ लेना। चलो पहले फर्ज नमाज तो चालू करो, कोई शक नहीं आपको अल्लाह के नजदीक लेकर आएगा नमाज, और दीन दुनिया दोनों में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और हमारे प्यारे नबी की एक और एक हदीस सुन लो, उन्होंने फरमाया है, रोजे मशर तुमसे पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी थी या नहीं, तो क्या बहाना दोगे, मैं जॉब में था, टाइम नहीं था, या कोई भी बहाना आपको जैसा भी सही लगे आप दे देना, जब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और जो नमाज पढ़ता था वो कामयाब हो गया। उस दिन हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और एक चीज फरमाई कि है ना, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर छोड़ देता है, तो वो डिसबिलीवर है, एक मुनाफिक है। सोचो नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है। और एक लास्ट बात सुन लो, लास्ट, फिर चले जाना। सूरह 74 आयत नंबर 42 और 43 कुरान में क्या कलाम किया अल्लाह पाक ने, एक कन्वर्सेशन बयान किया अल्लाह पाक ने। बताते हैं कि जन्नती लोग जब नीचे देखेंगे जहन्नुम की तरफ और पूछेंगे, ऐसा आपने क्या किया था जिससे आप हेल फायर में हैं, जहन्नुम में, तो पता है जहन्नुमी लोग क्या बोलेंगे, हम उसमें से थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में ज़रा सा भी गैरत बची है तो आप जाके नमाज पढ़े, नमाज को सीरियस ले। ठीक है, और ना ये वीडियो शेयर करें उसके साथ कि आपको लगेगा कि जो आप जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसको भेजें और बताएं कि ये वीडियो देखो, नमाज की तरफ माइल हो, नमाज की तरफ माइल करें एक दूसरे को, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।